फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज का जो वीडियो है आप थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे और इसके टाइटल से समझ ही गए होंगे कि कॉस्मेटिक का रिव्यू है इस लिपस्टिक का जो मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो गाइज, एक कॉम्बो ऑफर में मैंने परचेस किया था। जब ऑफर यहाँ पे स्टार्ट था तो वो ऑफर में मैंने ये लिपस्टिक को परचेस किया है। तो काफ़ी टाइम से मुझे बहुत सारे कॉस्मेटिक परचेस कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें परचेस करती हूँ उसको एक से दो बार या तीन बार यूज़ करने के बाद में मैं उस चीज़ का रिव्यू देती हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए और मैं आपको अच्छी तरह से कह पाऊँ कि वो चीज़ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा जो रिव्यू है, आई थिंक ऑनेस्ट रिव्यू तो मैं देती हूँ, लेकिन वो ऑनेस्ट रिव्यू के साथ में ये भी होना चाहिए कि वो वर्थ इट है या नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करने के बाद में ही आपको उसका रिव्यू देती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने अभी परचेज़ किया है, भाई ऐसा है, ये ऐसा शेड है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, नहीं। लिपस्टिक अगर मैंने आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ तो उसको मैंने यूज़ किया होगा, उसको देखा होगा कि कितने टाइम तक है और लगने के बाद किस तरीके से, जिस तरह से इमेजेस में दिखा रहा था, रिव्यू था, वैसे तरह से है या नहीं, ताकि आपको ईजी हो जाए कि आपको जो लिपस्टिक परचेस करनी है भी या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेज़ की थी। तो चलिए फटाफट इसका हम लोग पहले अनबॉक्सिंग कर रहे थे और इसका शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुकी थी। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोस और जो इंस्टा पे मेरे वीडियोस है वो भी देखते रहिए और मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे आने वाले जो वीडियोस होते हैं, क्या क्या मैं चीज़ें परचेज कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें अपकमिंग है, पंगा से रिव्यू आने वाले हैं, तो वो सब वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको 3 लिपस्टिक और एक आपको लिप ग्लॉस मिलता है। इस तरह से ये मैट लिपस्टिक है, जिस तरह से बड़े से यहाँ पे अक्षरों में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे बड़े से यहाँ पे फॉन्ट में लिखा हुआ है मैट मैट मैट। तो रियली जो लिखा हुआ है वैसा है, मैट लिपस्टिक है। मुझे सिर्फ इसका प्रॉब्लम है कि जो बॉक्स है ना, तो मतलब इसमें से ये लिपस्टिक निकलती ही नहीं है। वो कितनी बार वो निकलती नहीं है। मैं वीडियो के लिए इस बॉक्स को संभाल के रखा है कि वीडियो तक का ये बॉक्स को संभालूँ जो बाहर का बॉक्स है, अदरवाइज़ ये बॉक्स को संभालने का मतलब नहीं है क्योंकि आपके लिपस्टिक उसमें से निकलेंगे नहीं। तो अभी ये यूज़ नहीं है, उसको फेंक दीजिए। ठीक है, तो ये कलर मिलेगा आपको, मैं आपको कलर बता देती हूँ। ये एक पिंक कलर है और ये थोड़ा सा यहाँ पे पूरा मैंने पर्पल शेड में लिया है, पर्पल शेड में लिया। आपको इसमें अलग अलग बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, पर्पल शेड्स में मिलेंगे आपको, रेड शेड में मिलेंगे, ब्राउन शेड में, मतलब आपको डिफरेंट टाइप के शेड्स में आपको वो 3 कलर मिलेंगे उसके आगे पीछे। तो इस तरह से मुझे 3 शेड मिले हैं। ये एकदम टिपिकल पर्पल दिख रहा है, ये इसमें लाइट पिंक दिख रहा है और यहाँ पे डार्क पर्पल लाइट ब्राउन आप बोल सकते हो। तो इस तरह से मुझे, तो गाइस इस तरह से मुझे 3 ना लिपस्टिक के कलर मिले हैं और एक यहाँ पे आपको मिलता है लिप ग्लॉस, ये तीनों लिपस्टिक के साथ। लिपस्टिक का मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से मेंशन किया है मैट, तो उसी तरह से मैट लिपस्टिक है गाइस। जब भी आप इसको लगाओगे, अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करते करते ये ड्राई हो जाती है, इतनी मैट है। लेकिन लुक वाइज और जो कलर दिया हुआ है और जो इसमें मेंशन था कि इतना देर तक वो स्टे करेगी, उसके हिसाब से थम्स अप है, बहुत अच्छा है। और इस प्राइस के हिसाब से ये जो लिपस्टिक है बहुत ही बेहतरीन है, तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिपस्टिक लगाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी आपको ये वाला जो शेड है वो अप्लाई करती हूँ डार्क शेड। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप देख सकते हो
कि मैंने लिपस्टिक के ऊपर ये दूसरा लिपस्टिक अप्लाई किया था, लेकिन थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन एक्चुअल कलर नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल कलर कौन सा है इन सभी का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ताकि मैं हर एक शेड को अप्लाई करके आपको वो एग्जैक्टली क्या कलर आपको बता सकूँ। लेकिन इतना डेफिनेटली करूँगी कि लिपस्टिक अच्छी है, मैट लिपस्टिक है, सुपर मैट है, बहुत जल्दी से ये ड्राई हो जाती है, जिस तरह से मैंने कहा कि ये लगाते लगाते ये लिपस्टिक ड्राई हो जाती है। और जो कलर है ना ये गाइस, जिस तरह से आपको इतना डार्क कलर ये नज़र आ रहा है ना, तो लगाने के बाद ना इतनी डार्क नहीं होती है, थोड़ी सी लाइट शेड ही रहेगी। अगर आपको ज़्यादा डार्क मिक्स चाहिए तो आपको इसका ना डबल कोट लेना पड़ेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, टिपिकल जो पर्पल जिस तरह से लिखा है ना, जिनकी स्किन टोन थोड़ी सी वीटिश है, जो सावली है, जो इंडियन स्किन टोन है, उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये कलर ऐसा ना गाइस, कोई भी स्किन टोन हो, फेयर हो, ये बोलते हैं ना सावले हो या डार्क हो, तो उस पर ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो ये तीनों कलर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि उसके साथ में आपको लिप ग्लॉस मिल रहा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आपको उसके साथ में लिप ग्लॉस मिलता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से उसी ब्रांड का आपको यहाँ पे लिप ग्लॉस भी मिलता है, जो आपके आप मैट लिपस्टिक के ऊपर या कोई भी अदर लिपस्टिक के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से रहेगा। तो गाइज देखा आपने, मैंने इस तरह से अप्लाई किया, तो लगाते ही जो ग्लॉस का जो इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। लिप ग्लॉस बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर जो मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ सिर्फ जो मैट लिपस्टिक है वही यूज़ करती हूँ, ग्लॉस वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपली से क्या करती हूँ, लिप बाम यूज़ करती हूँ, उसके बाद में जो भी मेरा मैट लिपस्टिक है वो यूज़ करती हूँ, लिप ग्लॉस कभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अभी इसके साथ में मिला है तो मैं अप्लाई करके आपको बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, कलर को इनहेंस कर रहा है और आपके लुक को पूरी तरह से वो कम्प्लीट कर रहा है, बहुत ही शाइन वाला लुक दे रहा है। तो अगर आप किसी फंक्शन में हो, फेस्टिवल में या वेडिंग वगैरह में जाते हो या किसी पार्टी में, तो आप इस तरह से जो लिप ग्लॉस का है वो यूज़ कीजिए, तो काफ़ी जो लुक को थोड़ा सा वो चेंज कर देता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है और आपके इमेजेस के लिए, फोटोज़ के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। तो गाइस मेरी तरफ से ये जो लिपस्टिक है और प्लस जो आपको लिप ग्लॉस आपको फ्री में मिल रहा है, आप ये ज़रूर परचेज कर सकते हो, इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको शेड्स मिलेंगे। तो गाइज प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और थोड़ी भी आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप ये परचेस करते हो, कौन सा शेड आपने परचेस किया वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज आपको पता है ना, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ईजिली सबसे पहले मेरे वीडियोज़ को देख पाए, ठीक है। Thanks for watching.